दंगे हो रहे हैं भाई यहाँ तो, हमें लग रहा है अनसेफ। भाई अभी तक तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्या हुआ एकदम से? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और भाई सबको बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये देखो सामने जन्मभूमि, मतलब यार इससे अच्छा क्या हो सकता है, पहली जनवरी, न्यू ईयर और जन्मभूमि के दर्शन आप साक्षात कर रहे हो। कल हम वृंदावन भी घूम के आए थे, उसके बाद रात को यहीं होटल में आ गए थे और होटल में आने के बाद अपना सो गए। अपना न्यू ईयर वगैरह तो हमने रूम के अंदर ही मना लिया था एक दूसरे को विश करके। अब सुबह उठे हैं, अब थोड़ा बहुत देखते हैं इधर उधर, दो चार मंदिर अंदर घूमेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। भीड़ देख लो भाई, भीड़। एक तो मौसम भी अच्छा है ना, तो भीड़ तो होगी होगी। प्रभु जय हो। तो भाई हम जा रहे हैं अब रमन रेती गोकुल के दर्शन करने। मैंने लगा लिया है मैप, यहाँ से है 18 किलोमीटर, गोकुल में है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, बहुत यार गोकुल का नाम तो सबने ही सुना है। तो आज मनोकामना पूर्ण होगी, रमन रेती के दर्शन होंगे गोकुल में। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, फॉग है पर विजिबिलिटी भी है, ठंड भी है पर यार बहुत शानदार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो पहले हम सोच रहे थे कि हम क्या करें, आज स्टे करें वृंदावन में और बांके बिहारी के दर्शन करें, बट आज यार बहुत ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्टेड है और होगी। हर कोई इस रात को यही बात कर रहा था वहाँ पे वृंदावन में कि सुबह बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, और हम अपना इतना सारा तामझाम के साथ तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, राइडिंग गियर वगैरह तो होटल करना पड़ता है। होटल करने का मतलब है कि रुको स्टे करो, तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार दर्शन कर लेंगे फिर स्टे करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि आज बांके बिहारी जी के दर्शन हम बाद में कर लेंगे कभी। आज हम वहाँ जाते हैं जहाँ पहले गए नहीं है, तो रमन रेती जा रहे हैं और भी देखते हैं, अगर कहीं का होगा तो वहाँ देखेंगे। यहाँ क्या हो गया यार, फिर मिल गया है कल जैसा जाम, लोग बाग मुड़ रहे हैं वापस को। ये वही वाला चक्कर लग रहा है, दंगे हो रहे हैं भाई यहाँ तो। पीछे लो आंटी, ये होता है मचाने लगे दंगे, सारा दिमाग खराब करके रखते हैं लोग बाग। यही होता रहता है इंडिया में, यही नाटक है, दंगे करो फसाद करो। अंदर से चलते हैं, अंदर से होते चलते हैं। हाँ दंगे हो रहे हैं, दंगे दंगे। आगे कर लो, आगे कर लो, आगे आगे कर लो, आगे आगे कर लो। गाड़ी है, गाड़ी आप जा रहे हो क्या? चलो चलो पीछे देखो कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है। चलो भाई फाइनली भटक भटकू के थोड़ा सा बाहर आए मेन रोड पे। अब यहाँ से मैप लगा लिया है और यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है, जहाँ से चले थे वहाँ से 18 दिखा रहा था, उसके बाद 10-12 किलोमीटर और चल रही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ा पर ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रैफिक में चलता है यार, इट्स ओके। इतनी बढ़िया रोड आ गई थी, फिर से अंदर गली कूचों गांव में घुसा लिया है। और मेरे ख्याल से आगे से भी हाईवे बंद ही कर रखा है, इसीलिए गाड़ियाँ उस साइड से भी आ रही हैं। वो जिन जो ब्लॉक कर रहे थे, मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा किया है कि कुछ किलोमीटर के एरिए में दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया, ताकि बीच में वो अपना कर सकें जो भी उन्हें करना है, हल्दा गुल्दा, मीडिया वीडिया कवरेज हो जाएगी उनकी। बाकी इधर उधर चल रहा होगा ट्रैफिक जो चल ही रहा है, बीच में से निकल रहा है। ये यमुना का बैराज होगा, क्या है ये, गोकुल बैराज मथुरा, हाँ वही वही। चलो ये भी देख लिया, उसको भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं।
मेरे ख्याल से ये गोकुल, यहाँ गोकुल लिखा है, गोकुल, गोकुल आ गए हम भाई। एक दिन का तो नहीं है मथुरा, वैसे तीन चार दिन का हिसाब किताब है, तीन चार दिन का डबल ढंग से घूमना है तो एक हफ्ते का हिसाब है भाई पूरा, काफ़ी कुछ है घूमने का। लो जी हम पहुँच गए हैं रमन रेती, 300-400 मीटर बचा हुआ है और अच्छी खासी भीड़ है भाई, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो। मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता था, इन लोगों ने बताया है कि रमन रेती करके जगह है, अब वो देखना पड़ेगा कि क्या है इसका खास ऐसा। तो भाई हमारी जो किस्मत है वो अपनी औकात दिखा रही है आज बहुत ज़्यादा, मतलब साल का पहला दिन और इतने सारे नाटक हो रहे हैं। पहले वो ब्लॉकेड, रोड ब्लॉक कर दी, जैसे ही हम उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए, जैसे ही मंदिर पहुँचे मंदिर का मंदिर बंद हो गए, 12 बजे बंद हो जाते हैं, एग्जैक्ट 12 बजे पहुँचे हम, हमारे जस्ट सामने गेट बंद किया उसने, अब 4 बजे खुलेंगे। तो मैंने तो कहा भैया अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, पहले कुछ खाएंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं है, उस वहाँ पर करेंगे बैठ के बात जो भी होगी अब आगे की। हाँ तो भाई रमन रेती में दर्शन तो हुए नहीं, 12 बज गए थे, मंदिर हो गया था बंद, अभी यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए हैं। और यहाँ पे हमें एक बंदे ने बताया कि वो जो ब्लॉक कर रहे थे हाईवे पे, वो दंगाई जो थे वो किसी रीज़न कुछ हो गया है, कोई डिसीज़न आया है, उस वजह से कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं भाई आज तो हाईवे हर जगह जाम ही रहेगा, तो हमें लग रहा है अनसेफ जाना, क्योंकि दंगाई है भाई कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आज यहीं पर स्टे कर लें, स्टे कर लें और कल निकलें। हाँ कल निकलें, तो फिर आज हम सोच रहे हैं वृंदावन जाके वहीं पर स्टे करेंगे, बाकी बिहारी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं बाकी कल का, कल देखते हैं कैसे क्या है। भाई नाश्ता वाश्ता करके निकल दिए, अब हम वृंदावन की ओर बढ़ चुके हैं और ये आप साइड में देख रहे हो यमुना बैराज, फंस गए भाई, हाईवे का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होके इधर आ गया, अभी पीछे कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर हमारे 15-20 मिनट में पूरे हुए हैं, आगे का भी ये दिखा तो रहा है ट्रैफिक, अब पता नहीं कब तक पहुंचेंगे यार, अभी भी 8 किलोमीटर रह गया है वृंदावन, अब कहीं जाके खुली खुली सड़कें मिली और बस वृंदावन भी हम पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा दूर बचा हुआ है 3-4 किलोमीटर, मज़ा आ रहा है धीरे धीरे राइड करने में, आराम आराम से जा रहे हैं मस्त एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं कुछ नहीं, मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा, हेलमेट का वाइज़र खोल रखा है, गाल ठंडे हो गए, लेकिन जो हवा लग रही है ठंडी ठंडी, आह हा हा भाई कोई मैच ही नहीं उसका। ये देखो आ गया गेट, वृंदावन में आपका स्वागत है। कल भाई साहब यहाँ से लेके और कितनी दूर पैदल गए थे हम, बहुत दूर, कम से कम 3 किलोमीटर पैदल पैदल गए थे, पूरा ब्रिज चढ़ के उतर के फिर आगे जाके और फिर वहाँ जाके मिली थी कर्री वाली भीड़, जैसे आज है देखो कितनी तगड़ी भीड़ है आज, लेकिन मौसम ज़्यादा अच्छा है भाई, बहुत ही मतलब धूप तो है ही नहीं, दिन के 2 बज रहे हैं और देखो बिल्कुल कोई सनलाइट वनलाइट का तो नामो निशान ही नहीं है। ओ बोलो जुबा केसरी यहाँ पे भी चल रहा है क्या, वृंदावन में तो रहने देते कम से कम। दोस्तों हम आ गए हैं वृंदावन और हमने ये कर लिया है रूम, इस रूम में हम मई में भी रुके थे जब लास्ट टाइम आए थे ना, इस रूम में नहीं इस होटल में रुके थे, इस होटल में रुके थे दूसरे रूम में, क्योंकि उसमें उस टाइम लोग ज़्यादा थे तो ज़्यादा रुक रहे थे, अभी हम 5 ही लोग हैं इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं। एक साथी ने हमारा साथ छोड़ दिया बीच में, एक साथी ने छोड़ दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, और देखो यहाँ से व्यू देखो और बंदर देखो, बंदर घूम रहे हैं, ये देखो व्यू अच्छा है लेकिन बाहर जा नहीं सकते क्योंकि बंदरों का खतरा है। हम फिर आ गए हैं वृंदावन की गलियों में आज, और मौसम आज भी बहुत गजब का हो रहा है, आज थोड़ा जल्दी निकले हैं और जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, देखो नज़ारे दिखाते हैं नज़ारे। हाँ तो भाई हम जो है बांके बिहारी जा रहे थे और रास्ते में हमें लगी भूख हम दोनों को कुछ ज़्यादा ही, तो हमने पहले हमने गोलगप्पे खा लिए, उससे हमारी भूख मिटी नहीं, हमने एक दूसरे को देखा ये कह रहे लग रही है ना अभी भी, मैंने कहा अभी भी लग रही है, तो फिर हमें यहाँ पे ये दिख गई है भेलपुरी, लिखा भेलपुरी खा रहे हैं, भेलपुरी मतलब जो भी झालमुरी है, ये बंगाल की डिश है, मतलब
स्नैक्स बोल सकते हैं आप इसको। तो इसको खा के ज्यादातर बिहार में और बंगाल में ये चलती है, मजा आ रहा है लेकिन बहुत मजा आ रही है। इसको खा के जाएंगे, मुझे लगता है हम यही रात पहुँचे, अब पहुँचे पहुँच ही नहीं रहे। ये जूता घर है, यहाँ पर जूता उतारते हैं, कहने को ये निःशुल्क है लेकिन ये 10 रुपए जोड़ी ले रहे हैं हमसे। फ्री फ्री नहीं है, 10 रुपए जोड़ी ले रहे हैं तो ठीक है, 10 रुपए जोड़ी ले रहे हैं लेकिन ऊपर लिखा है निःशुल्क है। ये लूट मार फालतू की देख रहे हो ना भाई, जितना सोचा था उतना रश तो है नहीं। और देखो यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम कर दिया, ये पिछली बार नहीं था, नहीं नहीं अभी कुछ दिन पहले भी मैं आया था तब भी नहीं था, नहीं, मैं लास्ट आ चुका हूँ 3-4 बार तो जब था, और अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है मैं बता रहा हूँ मैंने, और रश नहीं है, हमको लग रहा था रश रश मिलेगा लेकिन रश नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है। हाँ ये देखो कितना बढ़िया सिस्टम कर रखा है भाई, ब्लॉग करो सब मजे बहुत लेते हैं यार, एक बात तो है ये बात। कुछ दिनों में कॉरिडोर ही बन जाएगा तो वो भी और शानदार बनेगा मुझे लग रहा है, हालांकि यहाँ की दुकान वकान हट जाएंगी वो प्रॉब्लम है लोगों को, हमको तो क्या प्रॉब्लम है उससे। नहीं नहीं प्रॉब्लम तो है क्योंकि उनका व्यवस्था करेगी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसे तो बेरोजगार नहीं कर सकते ना। सही बात है, पर उनको मेरे ख्याल से मैंने सुना है उनको काफी अच्छा कंपनसेशन मिल रहा है, कंपनसेशन मिलेगा या फिर कुछ मेरे ख्याल से शॉप बना के वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो करेगी, पर जो होना है वो होके रहेगा भाई, अगर बनेगा तो बन के ही रहेगा चाहे कोई कितना भी प्रोटेस्ट करे, योगी है तो मुमकिन है, और इतने इतनी भीड़ आती है तो बनना भी चाहिए। क्या मस्त मस्त प्रसाद मिल रहा है यार, गजब टेस्टी एकदम, ये देखो पहुंच गए हम, जस्ट पहुंच गए, देखो प्रसाद ले लिया है, ये देखो पे इकट्ठे हो गए यहाँ पे 250 ग्राम के ना, 250 ग्राम के इकट्ठे हो गए। भाई अभी तक तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, ये क्या हुआ एकदम से। मैं तो कब अंदर घुसा कब बाहर आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे लगा सबसे पहले मैं ही बाहर आ गया लेकिन भाई मिल गए यहीं खड़े थे। दो बंदे अपने अभी अंदर हैं, अभी आ रहे हैं बाहर, आ गए अपने, इतनी भीड़ से एकदम खाली गली में आ गए हम, क्योंकि हमारे साथ कौन चल रहा है पता है, मिस्टर अनुज, इनको एक एक जगह का मालूम है कहाँ कैसे जाना है, देख रहे हो ऐसा कोई होना चाहिए आपके साथ, शॉर्टकट है ये। अच्छा, और भाई वहाँ के बिहारी में ना मैंने तो पहली बार किया है, अभी अंधेरा हो गया कुछ देखेगा नहीं, चलो बात ही सुन लो मेरी, वहाँ के बिहारी में एक VIP कल्चर चल रहा है कि जो 20-25 हज़ार रुपये देता है ना उसको पास से दर्शन कराते हैं, तो सारंज भाई इस बात से बहुत खफा हो गए क्योंकि वो पास में जा रहे थे और उनको पड़ गए धक्के मुक्के, पुलिस वालों ने धक्का दे दिया, आप बताओ कमेंट में सही है कि नहीं। VIP मेरे को समझ नहीं आता क्या फायदा आप उस चीज का यूज कर, पैसे का यूज करके आप भगवान, पर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी तो कर रहा है ना भाई, अपने VIP कल्चर से परेशान, अरे मजा आ गया VIP कल्चर मजा आ गया आपको, पर वो एक चीज वो बुरी लगी, पर बुरी चीज लेके क्यों बैठना जब कुछ अच्छी चीज भी तो हुई है, लेकिन दर्शन हो गए इतने अच्छे कि हम सब माफ है, सब माफ है, पर हाँ जो कुछ है तो उसको जो ये कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं उनको वो मुबारक, उनका फल मिलेगा उन्हें, सही बात है सही बात है, जैसी करनी वैसी बननी, उनका फल उन्हें मिलेगा इस चीज का, बिहारी ये सब देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे वाली गली में घुसना, मैं कह रहा था उसी गली में घुस रहे थे, गलत आ गए गाइस तारीफ करते करते, नहीं नहीं मैं चश्मा पहना नहीं होना यार, समझा कर रहे, क्या हुआ ना बंदर की वजह से इन्हें चश्मा उतार दिया, वो चश्मा उतार दिया तो इन्हें दिखा नहीं, तो गली डिफरेंस हो गया भाई, हमारा ये विनोद है ना हमेशा भटक जाता है, अभी हम जा रहे राधा वल्लभ जी के मंदिर, ये राधा वल्लभ जी का मंदिर, ये देखो भाई बाइक कर ली यहाँ होटल के अंदर खड़ी,
होटल तो क्या ही बोलेंगे इसे, धर्मशाला कम गेस्ट हाउस, धर्मशाला कम गेस्ट हाउस, बात की कम लॉज भी बोल दो भाई हमने दर्शन कर लिए, बहुत मजेदार दर्शन हुआ, एकदम मजा आ गया यार, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद हमने खा लिया खाना, फिर पी ली चाय, फिर पी लिया दूध, मतलब मैंने नहीं पिया बाकी सबने पिया। अरे चाबी तो रहेगी। और अब हम आ गए हैं, चाबी तो उनके पास है। तो भैया हम आ गए अपने होटल रूम में और अब हम सोएंगे, तो फिर चलते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, है ना, सब बोलो बाय 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 बाय, गुड नाइट। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सब, ये देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। I guess you're trying to stay strong and fake a smile until